अगले कॉलर हैं कटनी से अनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। जय हिंद, स्वागत है अनीता जी। जी सर, 1 महीने बाद कॉल लगा है, बहुत ट्राई किया, बहुत परेशान रहे, पहले बात हो जाती थी, अब 1 महीने बाद ट्राई कर चल रहा है 1 महीने से सर, आज फोन लगा है जाकर। सर हमारे 3 सवाल हैं, हम औरों जैसी बात नहीं कर पाते सर आपसे, लेकिन हमारा अगर आप उत्तर देते रहे तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे सर। जरूर जरूर, हम सबका अच्छा जवाब देते हैं, आप कैसी भी जबान में बात करें। सर हाँ अच्छा तो देते हैं सर, तभी तो आप इतना मानते हैं सर। अभी हमारी टीवी खराब हो गई थी सर, हमने दूसरे दिन से करवा ली और मन नहीं लग रहा था, बेला प्रोग्राम नहीं देख पा रहा थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे खाना ही नहीं खाया हो जी। सर इतनी हैबिट हो गई है आपकी, क्या बताएं सर। और आपकी दवाई से बहुत फायदा मिल रहा सर, 4 जन को हमने दवाई बताई, 4 जन को बहुत फायदा है सर, आपने तरफ से भी हम दवाई दे देते हैं सर उन लोग को। सर हमारे 3 सवाल हैं आपके। जी जी बताइए। जी सर, हमारी जीजा जी है, उनको जैतून का सिरका से फायदा तो है सर, शरीर हल्का हो गया है, लेकिन उनके पेट में 24 घंटे गैस बनी रहती सर, बहुत परेशान रहते और खाना आना भी नहीं खा पाते सर, वो कहते रहते कि हमारे मतलब पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही है। एक दिन तो सर हार्ट आर्ट में भी दर्द हो गया, तो सर उनको गैस की वजह से बड़ी मुश्किल से ठीक हो गया सर। एक तो ये सवाल है सर, हमारे खुद की उम्र है 48 सर, तो हमारे बाएं पैर में सर बहुत खुजली हो रही है, जहाँ पायल पहनते हैं ना उसके ऊपर से 15 दिन से इतनी खुजली हो रही है, लाल लाल निशान पड़ गए और छोटी वाली उंगली में। हेलो सर। ठीक है मैं सुन रहा हूँ। हाँ, आप छोटी वाली उंगली में हरा हरा सर निशान हो रहा सर, छोटी वाली उंगली में, और उसमें खुजली भी होती, कभी कभी पानी आ जाता, लेकिन सर अब 10-15 दिन हमने ट्यूब लगाई थी, उससे पानी तो नहीं आ रहा सर, लेकिन हरा हरा निशान पड़ गया सर। और तीसरा सवाल, हमारी बच्ची है ना सर, हाँ, तो उसके ये घुटनों के नीचे जो मांस होता है ना, तुडलियों का, अंदर बस दर्द होता सर, बाहर कुछ नहीं होता, बाहर अच्छी है। उम्र कितनी है बच्ची की? बच्ची की उम्र 21 साल है सर। 30 साल जी। ठीक है ठीक है ठीक है, बस ठीक है। हाँ देखिए, जो जीजाजी है उनको एसिडिटी की दवा एलोपैथ भी दिला सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, और जो सिरका पी रहे हैं उस जितना पीते उससे आधा पिए, और 1 चम्मच धनिए के पाउडर के साथ लें पानी में मिला के, तो उनको पूरा फायदा मुमकिन है। और कभी भी ज़रूरत पड़े किसी भी दवा की फौरी तौर पर, तो आप डॉक्टर की दवा भी इसके साथ में ले सकते हैं, मेरी तरफ से इनकार नहीं है। तो ये तो जीजा जी का सवाल हुआ। और बच्ची को आप गौंदस्याह 1 खुराक दिया नाश्ते के बाद, आधा ग्राम और आधा ग्राम शाम को। कम उम्र बच्चियां बहुत जल्दी अच्छी होती जब फायदा हो जाए, जब उन्हें रोक देना। और क्या पैरों में इनके खुजली है, निशान हो रहे हैं। हाँ देखिए, खबरदार हो जाइए, और गौंद चिलगोजा 1 चुटकी रोजाना खाएं, बस 1 बार, बहुत तेज होता है, और 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिला के, इस पानी से 24 घंटे में 1 खुराक खा लिया करें। अगर आप हफ्ता 2 हफ्ता ही लेंगे तो आपकी ये परेशानी जो उंगली में और पानी आ जाता है और ये हो जाता है, तो आपको फायदा होना मुमकिन है। पंजाब से हैं शांति देवी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ मैडम नमस्ते जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, मैं रामा मंडी से बोल रही हूँ, पंजाब से। एक सिया गूंद मंगाई थी 100 ग्राम। ठीक है। एक अपना जेडे पीके कैप्सूल है मोटापे दे, दो चीजा मैं खा रही हूँ। एक उन्होंने दसा सी मैंने सिरका जैतून का, एक मैं 2 चमच ओ ले रही हूँ सुबह शाम। बट मेरे ना शरीर जिम्मे जिस तरह दवाई ले जानी, एक तो मेनू मतलब कब्जी बहुत ही ज्यादा है, जिम्मे 3-4 दिन मेनू मतलब लैटरिन नहीं आती।
ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਦ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਜੋੜਾਂ ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ ਦਵਾ? ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 12-13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਲੈਂਦੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦਰਦ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਜ ਘੱਟ ਗਈ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਸੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ हाँ। देखिए जितने दिन से आप ले रहे हैं उतना फ़ायदा, उससे ज़्यादा ही फ़ायदा है, ये रोज़ाना थोड़ा सा फ़ायदा करता है। और ये दवाएं आप लेते रहें, बहुत जल्दी ना करें, 2-3 महीने शायद आपको लेनी पड़ेंगी। और कब्ज़ अगर नहीं टूट रहा है तो कोई बादाम का तेल 2-3 चम्मच, 1 कप दूध गर्म में मिला के रोजाना 1 बार पिया करें, आपका कब्ज भी टूटना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। सर हमने पूछना है कि एप्पल विनेगर के बारे में पूछना था, इसके क्या क्या फायदे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कुछ बोला जी सर, कौन सी बीमारी बताई? एप्पल विनेगर के बारे में पूछना था। एप्पल विनेगर, अच्छा अच्छा अच्छा, सिरके के बारे में, क्या क्या फायदे हैं और ये हम लगातार कितनी देर खा पी सकते हैं? ये एप्पल विनेगर यूज करने का क्या तरीका है? देखिए, एप्पल विनेगर एक अच्छा सिरका होता है और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और जो ज़िद्दी चर्बी है, ब्लड प्रेशर है, और दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। और सिरके बहुत तरह के आते हैं, लेकिन इन सब में अच्छा सिरका कलौंजी का सिरका माना जाता है, अगर बहुत तेज़ी से काम करने वाला। और दुनिया में 2 सिरके बहुत बेस्ट हैं, जिसमें कलौंजी का सिरका सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। रतन तन्हा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जय भारत हकीम सर। जय हिंद, जय भीम, और आपकी भी जय, रतन 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 वालों की भी जय, रंगीला की भी जय, रतन की भी। जी मेरा मिजाज, शारीरिक मिजाज सर्द है सर। ठीक है सर, और लोगों का विचार है कि मेरा मिजाज गर्म है, लेकिन मैं ये भी बताता हूँ, जब आप देखते कोई श्रोता की बात पर, कोई लिसनर्स की बात पर आप जब भावुक होते हैं तो मैं भी भावुक हो जाता हूँ, मेरी भी आंखें भर आती है। मैं कोई धारावाहिक देखता हूँ तो कोई ऐसा क्षण आता, कोई फिल्म देखता हूँ ऐसा क्षण तो मेरी आंखें बार बार भर आती है। मैं नहीं जानता कि मेरा असल में मिजाज क्या है। शारीरिक मिजाज तो सर्द है ये जानता हूँ, मैं जब मौसम चेंज होता है तो मुझे तकलीफ होती है थोड़ी बहुत सर्दी वगैरह। दोस्तों को ये आशा रहता है मुझसे कि मैं उनके हर बात पर जी हुजूरू करूं, उनका मैंने कोई भी गलत बात हो तो मैं उसमें हाँ में हाँ मिलाऊं, लेकिन मेरा वो मिजाज उस समय गर्म हो जाता है। मैं मुंह ठीक सामने उनके चेहरे के सामने दो टुक मैं कह देता हूँ कि नहीं ये गलत है। और ये तो अब जाने बता चुका हूँ कि मैं भावुक हूँ अंदर से। तो ये मौसम चेंज हो रहा है सर, मैंने उन्नाव, लिसोड़ा और अलसी और पीपल, इसका 150 के रेशियो से बनाया हुआ है सर। मौसम चेंज हो रहा, मैं खुद के लिए बनाया हूँ और शुरू भी कर चुका हूँ। तो क्या ये मैं ये जो 450 का बनाया हूँ पूरा खुद खा सकता हूँ या बचने पर किसी को दे भी सकता हूँ सर? और दूसरा प्रश्न है सर, मेरा एक हबीब है बचपन का जी, तो वो थोड़ा सा यौन शक्ति, वो कह रहा, आज ही फोन आया था रांची से, बोला मैं कुछ कम हो रहा है तो उसके बारे में कुछ बताइएगा। ठीक है, ठीक। हाँ देखिए, मिजाज जो है इंसान का वो उस चीज पर निर्भर है कि अगर आप को नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें अक्सर आती हैं और जल्दी आप किसी रोग में ग्रस्त हो जाते हैं तो आप सर्द मिजाज हैं,
चाहे गुस्सा आपको कितना ही आता हो, तो गुस्से से मिजाज का कोई ताल्लुक नहीं है। और समझ लीजिए कि आपको बार बार बलगम खांसी छींके रहती है, तो आप ठंडे मिजाज के हैं और आपके अंदर इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। ये तयशुदा बात है यूनानी और आयुर्वेद की। और वो मिजाज का अगर बात करें जो भावुक होने वाली बात है, तो उस मिजाज में आप मुझ जैसे हैं, समझे। ये हमारी दोनों चीज़ें मिलती हैं, इसीलिए हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो वो मेरा भी हाल है कि मैं बिल्कुल जवान था, फिल्म इल्मों का बड़ा शौक़ था, मैं चला गया पिक्चर देखने, इत्तेफाक से मेरे चारों तरफ लड़कियां बैठी हुई थी और मैं अकेला, और वो जो सीन आया जज्बाती सीन, तो मैं तो इतना बुरी तरह रो रहा था और वो सब लड़की मुझ पर हंस रही थी। तो ये हमारा मिजाज है, आपका और हमारा मिजाज मिलता हुआ है। ये बहुत पसंद किया जाता है भगवान की तरफ से, रोने वाली आँख को भगवान बहुत पसंद करता है। और यही आँख अगर अपने रब के आगे रोए तो बहुत, जो चाहो भगवान से मनवा लो। और अगर वक्त ऐसा हो कि रात के 12 बजे के बाद का, जब सब सो चुके हो और आप उठ के सजदे में उससे कुछ जो बातें करोगे, तो उसकी सरगोशियाँ भगवान के यहाँ होती हैं। जो आप यहाँ बोलते हो वहाँ सुनाई देता है, याद रखें आप। ये वो वक्त है जब आप अपने रब से सब कुछ मनवा सकते हो। और खुददार होना बहुत अच्छी बात है, अगर कोई चापलूसी कराना चाहे तो। ये मिजाज नहीं है आपका, आप नहीं कर सकते, आप मर जाएंगे, चापलूसी नहीं करेंगे। और एक शेर याद आ रहा है कि नाज है, नाज है अपनी कच कुलाही पर। कच कुला कहते हैं, पहले वो कुला बांधते थे ना ऐसे, तो वो थोड़ा टेढ़ा होता था, तो उसका एक मतलब होता था कि मैं चापलूस नहीं हूँ, जो टेढ़ा सा लग बांधते थे। नाज है अपनी कच कुलाही पर, चापलूसी मेरा उसूल नहीं। डूब जाना कबूल है लेकिन मिन्नत ना खुदा कबूल नहीं। मेरे ख्याल से इनके सब सवालों के जवाब दे दिए मैंने। एक सवाल रह गया, उन्नाव लिसोड़ा अलसी वाला एक नुस्खा बनाया उन्होंने, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करिए, किसी को देना हो तो दे भी सकते हैं, फिर दोबारा बना लेना। आपका तो मिजाज है लोगों की खिदमत करना, कितने लोगों को आप अच्छा कर चुके हैं, तो इसको आप इस्तेमाल करें लगातार 4-5 महीने, फिर आपका मिजाज मोतदिल या गर्म हो जाएगा और आप फिर सर्दी के या इन रोगों से जल्दी ग्रस्त नहीं हुआ करेंगे। अगले कॉलर हैं अलीगढ़ से, मुकेश जी स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। हकीम ठाकुर नमस्कार। जय हिंद। ऐसा एक 15 साल की लड़की है, उसके सिर में चक्कर आते हैं, सिर में बहुत तेज दर्द होता है, घबराहट बेचैनी रहती है, और डॉक्टर की दवा से भी कोई फायदा नहीं होता, उसके लिए बताइए सर कोई। जो देखिए, ऐसे मेरी तरह बैठे हो बच्ची, आपके पास फोन है तो आप चाहें तो रिकॉर्डिंग कर लें, वीडियो रिकॉर्ड कर लें, या यही वीडियो आपको यूट्यूब पर पहुंच जाएगी। जिन लोगों को भी चाहिए ये एक्सरसाइज का तरीका, तो वो हकीम सुलेमान का यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर लें, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। ये ऐसे बैठे और ये कान, ये 3 मिनट करना ही करना है रोज़ाना, कान यहाँ पर मिलाना है और एक ऐसे, ये भी 3 मिनट। और एक और एक्सरसाइज है, बेड पर ऐसे लेट जाएं और गर्दन का हिस्सा बेड से नीचे लटका लें ऐसे, और बाकी जिस्म ऐसा रहे, ऐसे 5-5 मिनट 5 बार पूरे दिन में लेटें। और ये एक्सरसाइज आज से शुरू करें और 15 दिन तक लगातार करें। मुझे उम्मीद है कि बगैर किसी दवा के ये बच्ची अच्छी हो सकती है।